व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैरियट। ये अमेरिका के उस दौर की कहानी है जब गरीबों को खरीद कर उन्हें गुलाम बनाया जाता था। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम मिंटी है, वो आज़ाद होना चाहती है और अपने सपने पूरे करना चाहती है। क्या वो गुलामी के चंगुल से बच पाएगी, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है और हम मिंटी के हस्बैंड जॉन को देखते हैं, जो उसके पास एक लेटर लेके आता है, जिसे देख के वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि ये उसके आज़ादी के पेपर थे। वो उस लेटर को लेके अपने मालिक के पास जाती है और उसका मालिक, जिसने मिंटी के पूरे परिवार को खरीदा है, वो उनके लिए सालों से काम कर रहे हैं, पर जॉन मालिक से कहता है कि मैं अपने परिवार को लेके यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ और मैंने एक लॉयर को भी हायर कर लिया है, ये उसका लेटर है, अब आपको हमें आज़ाद करना ही होगा। लेकिन मालिक, जिसका नाम एडवर्ड है, वो अच्छा इंसान नहीं है। मालिक जॉन से बोलता है कि सिर्फ तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम्हारा पूरा खानदान मेरा गुलाम है, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और तुम्हारे आने वाले बच्चे भी मेरे गुलाम होंगे, और मैं अपनी प्रॉपर्टी को कैसे छोड़ दूं। और उस लेटर को उनके सामने ही फाड़ देता है। वो कहता है कि सुन लड़की, तेरे पति आज़ाद हो सकते हैं, तेरा बाप भी आज़ाद हो सकता है, लेकिन तू और तेरी माँ यहीं सड़ेंगे हमेशा के लिए। और ये सुनकर मिंटी की माँ रोने लगती है और उसे कहती है कि तू शैतान है, एडवर्ड ऊपर वाला तुझे नहीं छोड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर मिंटी भागकर एक जगह जाती है और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है। ऊपर वाले, मेरा मालिक बहुत ही बुरा इंसान है, अगर आप उनकी आत्मा बदल नहीं सकते तो उन्हें उठा लीजिए। और दोस्तों, अगले दिन एक चमत्कार होता है, ऊपर वाले ने मिंटी की आवाज़ सुन ली थी। हम देखते हैं कि अगले ही दिन एडवर्ड की मौत हो जाती है और ये देखकर उसका बेटा मिंटी पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसने मिंटी को प्रार्थना करते हुए देख लिया था। वो पूरे शहर में मिंटी के पोस्टर्स लगा देता है कि अगर कोई गुलाम खरीदना चाहता है तो मुझसे आकर मिले। यहाँ दोस्तों, खुलेआम इंसानों की बोली लगाई जा रही थी, जो चाहे वो किसी को भी खरीद सकता था। एक दिन मिंटी हर बार की तरह काम कर रही होती है और वो देखती है कि वहाँ खड़े गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जॉन से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे बताता है कि आज रात वो उसे लेके यहाँ से भाग जाएगा। अब रात होने पर मिंटी जॉन के बताए हुए गेट पे नहीं बल्कि दूसरे गेट से भागने लगती है। इधर दूसरे गेट पर जॉन उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड का बेटा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मिंटी भाग गई है, इसलिए वो उस पर बंदूक तान देता और पूछता है कि मिंटी कहाँ है। इधर मिंटी भाग के सीधा अपने डैड के पास जाती है और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें यह सब पहले से ही पता हो, क्या पता जॉन ने उन्हें बताया था। वो मिंटी को कुछ खाने को देते हैं और कहते हैं कि अपनी हिफाजत करना और जाने से पहले एक बार ज़रूर चर्च जाने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ से वो सीधा चर्च पहुँचती है, जहाँ वो फादर को बताती है कि वो मुझे बेच रहे हैं और मेरे परिवार से मुझे दूर भेज रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा। फादर उसे कुछ बातें बताते हैं कि अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें मारेंगे और पीटेंगे वो लोग, फिर तुम्हें कोई भी नहीं खरीदेगा, इसलिए हो सके तो तुम वापस चली जाओ। लेकिन मिंटी कहती है कि अब वो वापस नहीं जाएगी, वो आज़ाद होना चाहती है। और फादर भी गोरों के जुल्मों के बारे में जानते थे, इसलिए वो कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ईश्वर पर भरोसा करना, उत्तरी तारा तुम्हें रास्ता दिखाएगा और अगर तारा ना दिखे तो नदी तुम्हें रास्ता दिखाएगी और उसी के सहारे तुम्हें विल्मिंगटन पहुंचना है। वहां जाकर तुम्हें थॉमस गैरेट नाम के आदमी से मिलना होगा, जो कि लोहे का व्यापारी है, मैं यहां से उसे बात कर लूँगा, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। और इधर मिंटी के डैड के पास उसके मालिक के लोग आते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो भाग गई है, लेकिन मिंटी के डैड झूठ बोलते हैं कि उसने तो उसे काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं है। वो लोग भी समझ जाते हैं कि उन्हें अब मिंटी को ढूंढना होगा। अब मालिक, जिसका नाम गाइडन होता है, वो एक टीम बना के जंगल में भेजता है और सारे लोग मिंटी को ढूंढ रहे थे। और इधर हम देखते हैं कि मिंटी भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, आधे रास्ते में मिंटी इन्हें ब्रिज पर मिल जाती है। अब यहाँ वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी। गाइडन बोलता है कि चल, तेरी माँ रो रही है और तेरी बहन भी, लेकिन मिंटी ने इरादा बना लिया है, वो वापस तो नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो सीधा ब्रिज से छलांग लगाती है और नदी की गहराइयों में खो जाती है। गाइडन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। और अब यहाँ से मिंटी की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अगले ही पल हम मिंटी को किनारे पर देखते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसके कपड़े फट चुके थे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत अभी भी पूरी थी। वो एक बार फिर से आगे का सफ़र शुरू करती है। अब थोड़ी दूर जाने पे उसे एक कार्ट मिलता है, एक बैलगाड़ी, जिसके अंदर वो छुप जाती है और वो बैलगाड़ी बहुत दूर जाकर रुकती है। अब मिंटी वहाँ पहुँच कर एक आदमी से गैरेट के बारे में पूछती है। वो आदमी भी ब्लैक होता है, इसलिए वो उसके हालात को समझ रहा था। वो उसकी मदद करता और साथ में उसके आगे का सफ़र आसान करने के लिए उसे थोड़े पैसे भी देता है।
इसके बाद वो एक वाइट मैन की शॉप पे पहुंचती है, जहां वो एक बार फिर से उसे गैरेट नाम के आदमी के बारे में पूछती है। उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे गैरेट के बारे में पता है, पर वो आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही मिंटी वहीं बेहोश हो जाती है। और हमें पता चलता है कि वो वाइट मैन कोई और नहीं बल्कि गैरेट ही था। वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान होता है। अब वो मिंटी को अपने घर ले जाके उसे आराम करने को कहता है और उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी देता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपनी बैलगाड़ी में उसे बैठा के उसे उसकी मंजिल के करीब लाके खड़ा कर देता है। यहाँ से मिंटी का सफ़र बहुत ही करीब और आसान हो जाएगा। पर आखिर वो जा कहाँ रही है? उसने अपने परिवार को ऐसे वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया? ये सब सवालों का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। अब यहाँ से आगे मिंटी को अपनी आज़ादी दिख रही थी और उगते हुए सूरज को देखकर वो उछल पड़ती है और उसके चेहरे पे हम आज़ादी वाली मुस्कान देखते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर मिंटी अब फाइनली पेंसिल्वानिया नाम के शहर पहुँचती है, जहाँ वो एक फ्रूट वाले से एंटी ब्लैक स्लेव कम्युनिटी के पास जाने का रास्ता पूछती है और बड़ी मुश्किलों के बाद एक विलियम नाम के आदमी से मिलती है और उसे बताती है कि उसे गैरेट ने भेजा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुन के विलियम हैरान हो जाता है और फौरन एक डायरी में उसकी डिटेल लिखने लगता है। यहाँ विलियम उसे एक नया नाम देता है जो कि होता है हैरियट। वो हैरियट से पूछता है कि क्या तुम्हारा मालिक ने कभी तुम्हें मारा था या चोट पहुँचाई थी? तो हैरियट कहती है कि उन्होंने एक बार मेरा सर फोड़ दिया था जब मैं 13 साल की थी। 2 दिन बाद मुझे होश आया तो मेरी बहनों को भी बेच रहे थे वो लोग। वो एक भयानक सपना था जो सच हो गया। विलियम के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर कोई इतना लंबा सफ़र पैदल कैसे तय कर सकता है। ये सवाल सुनने के बाद मिंटी कहती है कि मेरे साथ गॉड थे और उन्होंने ही मुझे एक दूसरा मौका दिया है। अब सीन कट होता है और हम विलियम और मिंटी को एक मियाँ नाम की औरत के घर जाते हुए देखते हैं। विलियम बताता है कि वो एक अमीर ब्लैक लेडी है और जो ब्लैक लोग बेबस और लाचार होते हैं वो उन्हें काम देती है, तुम्हें भी वहाँ अच्छा काम मिल जाएगा। कुछ देर बाद हम मियाँ को देखते हैं, वो मिंटी को अपने घर में केयर टेकर की जॉब दे देती है और वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक लोग भी थे जो काम किया करते थे। अब एक रात मिंटी और मियाँ के बीच में बातें होती है जिसमें वो बताती है कि उसका एक हस्बैंड है जिसका नाम जॉन है, वो गुलाम नहीं है, बस मैं और मेरा परिवार ही गुलाम है। मिंटी के दिल में एक ख्याल आता है कि जिस जॉन को वो चाहती है वो भी यहाँ आए, उसने इसलिए उसे अकेले छोड़ दिया क्योंकि वो जानती है कि वो गुलाम नहीं है, पर अगर वो दोनों भागते हुए पकड़े जाते हैं तो उसका मालिक उसे भी गुलाम बना लेता। वेल दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता रहता है और अब 1 साल बीत जाते हैं उसे पेंसिल्वानिया में काम करते करते। अब एक दिन वो पोर्ट जाके एक आदमी से अपनी परिवार के बारे में पूछती है। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसने उसकी पहली बार मदद की थी। मिंटी उसे पूछती है कि तुम मेरे परिवार से मिले? वो आदमी कहता है कि हाँ, उन्हें पता है कि आप सेफ हैं। तो वो पूछती है कि क्या मेरे पति जॉन ने कोई संदेश भेजा है? वो कहता है कि नहीं। और ये सुनकर मिंटी निराश हो जाती है। वो भागते हुए विलियम के पास आती है और कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए मेरे परिवार को यहाँ लाने में। वो कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हमारी पहुँच इतनी दूर तक नहीं है, तुम यहाँ पर खुद आई इसलिए हम तुम्हें बचा पाए। लेकिन मिंटी कहती है कि मैं खुद जाऊँगी और उन्हें लेके यहाँ पर आऊँगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो इस बारे में मियाँ से बात करती है कि वो उसकी मदद करे उसके परिवार को यहाँ तक लाने में, और मियाँ भी मान जाती है, जिसके बाद वो उसे कुछ अच्छे कपड़े देती है और एक फ्री लेडी की तरह चलना बातें करना सिखाती है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो कि वो एक गुलाम है। साथ में वो उसे एक बंदूक भी देती है जिसे वो अपनी हिफाजत कर सके। इसके बाद मिंटी अपने सफ़र पर निकल जाती है। वो अपने गांव पहुंचती है लेकिन वहां पर एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है, लेकिन मिंटी उसे एक नकली पेपर्स दिखाती है जो किसी और के थे, जो कि उसी के नाम पर होते हैं, जिसे कि वो उसे जाने देता है। अब यहां से वो सीधा जॉन के पास पहुंचती है। अब दोनों 1 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। मिंटी उसे गले लगाकर बहुत ही रोती है, पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिसके लिए वो इतना लंबा सफ़र करके आई है उसने उसके लिए 1 साल भी इंतज़ार नहीं किया। जॉन बताता है कि मुझे लगा कि तुम नदी में गिरकर मर गई हो, जिसके बाद मैंने एक फ्री लेडी से शादी कर ली और अब मेरा एक बच्चा भी है। ये सुनकर मिंटी पूरी तरह से टूट जाती है, उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई। अब ये सब जानने के बाद वो जॉन को छोड़कर अपने परिवार से मिलने जाती है, जहाँ सभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अब मिंटी सभी से कहती है कि वो आज़ाद होने वाले हैं और अपने पिता से भी कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि जब तक मेरे सारे बच्चे आज़ाद नहीं हो जाते मैं और तुम्हारी माँ यहीं रहेंगे। तो एक माँ और बाप अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये आपको आइडिया हो गया होगा ये सीन देखकर। वहीं जब इन लोगों के मालिक को पता चलता है कि मिंटी के साथ साथ और भी लोग भाग गए हैं, वो पागल हो जाता और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। अब यहाँ मिंटी की एक बहन भी होती है जो कि अभी भी वहीं पर थी। गार्डन उसका गला पकड़ लेता और उन लोगों के बारे में पूछता है, वो कुछ भी नहीं बताती लेकिन उसके बच्चों को वो उठा लेता और
कहता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो उसके बच्चों को मार देगा। अब अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ सच बता देती है और गाइडन को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिंटी है। अब गाइडन एक गुलाम पकड़ने वाले आदमी को हायर करता है और उसे जल्द से जल्द ढूंढने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ मिंटी और उसके साथी के लोग नदी के किनारे जाके रुक जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था और ना ही वहाँ कोई बोट थी जिससे कि वो उसे पार कर सके। और इन लोगों के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी और एक छोटा बच्चा भी था जिसे नदी पार कराना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब मिंटी का भाई कहता है कि अगर हम नदी में गए तो सभी मारे जाएंगे, लेकिन मिंटी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि अब एक ही रास्ता बचा हुआ, या तो करो या फिर मरो। मिंटी खुद उस नदी को पार करके पैदल जाने लगती है और कुछ ही देर में वो उस नदी को चलकर ही पार कर लेती है, जिसे देखकर वो लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ गाइडन और गुलाम को पकड़ने वाले आदमी, जिनके नाम होते हैं लॉन्ग और वॉल्टर, वो सभी रास्तों को रोककर इनका इंतज़ार ब्रिज पर कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में इन्हें पता चल जाता है कि मिंटी अब नदी के रास्ते भाग चुकी है। और ये जानकर गाइडन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वॉल्टर को मारने लगता है। वॉल्टर ने दोस्तों जानबूझकर इन्हें नहीं बताया कि वो भाग रही हैं क्योंकि वो भी चाहता था कि मिंटी और उसके साथी जिंदा बचकर यहाँ से चले जाए। पर यहाँ एक दिन बीत जाते हैं और सारे लोग अब पेंसिल्वानिया पहुँच गए थे। मिंटी ने जो खुद से वादा किया था वो उसने पूरा किया, भले ही वो जॉन के साथ नहीं है लेकिन उसने अपने परिवार को बचा लिया। और ये देख के विलियम चौंक जाता है कि आखिर एक अकेली लड़की ये कैसे कर सकती है। इसके बाद मिंटी को एंटी स्लेव कम्युनिटी का मेंबर बना लिया जाता है, जहां उसका काम होगा कि वो दुनिया के हर हिस्से से गुलामों को आज़ाद करके यहां लाएगी। और मिंटी ने भी इसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि जब तक एक भी आदमी गुलाम रहेगा वो उनके लिए लड़ेगी और उन्हें आज़ाद करवाएगी। अब धीरे धीरे करके वो सारे गुलामों को आज़ाद करवाती है, पर हर गांव में ये खबर फैल जाती है कि कोई मसीहा है जो आता है और गुलामों को आज़ाद करके ले जाता है। अब चारों तरफ मिंटी और उसके साथियों को पकड़ने के पोस्टर लगने लग गए थे, पर वो किसी के भी हाथ नहीं आती। और धीरे धीरे करके वो कई सारे गुलामों को आज़ाद करवा के पेंसिल्वानिया ला देती है, पर अभी भी उसके परिवार के कुछ लोग थे जो अभी भी गुलाम थे। वो ठान लेती है कि वो अब अपनी बहन को गुलामी से आज़ाद करवाएगी, साथ साथ में अपने माता पिता को भी। जब मिंटी चुपके से अपनी बहन के पास जाती है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके दोनों बच्चों को उसके मालिक ने छुपा लिया था और वो उन्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अब मिंटी ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है, पर वो अपनी बहन से वादा करती है कि वो उसे वापस लेने ज़रूर आएगी। अब बीच रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। वॉल्टर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, और मिंटी मान जाती है और अपने साथ उसे रख लेती है। अब पूरे स्ट्रीट में हंगामा मच जाता है कि इधर सारे गुलाम कैसे भाग रहे हैं। सभी मालिक चाहते थे कि गुलाम पर एक कड़ा कानून बनाया जाए। इसी बीच मिंटी के पुराने मालिक को भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे मिंटी का हाथ है, और अब सभी उसे मूसा मानने लगे थे। मूसा दोस्तों वही है जिन्होंने अपने लोगों को फिरौन से आज़ाद करवाया था। फिरौन मिस्र का राजा था जिसने बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाया था। वेल, कहानी पर आते हैं। अब सारे अमीर लोग सरकार को पैसा खिला देते हैं और एक कानून पास करवा देते हैं कि अगर कोई गुलाम भागकर दूसरे शहर में जाता है तो हम उन्हें वहाँ से जाके भी पकड़ सकते हैं, और जो लोग उन्हें अपने घर में आसरा देंगे उनके ऊपर भी केस होगा। यानी कि हर तरफ से बस गरीब और लाचार लोग पिस रहे थे, अमीर चाहे कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसों के दम पर। और इस कानून की खबर विलियम और मिंटी को भी लग जाती है। वो फौरन बचे हुए स्लेव को कनाडा जाने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। विलियम मिंटी को भी उस ट्रेन में बैठने को बोलता है क्योंकि उसने ही ये सब शुरू किया था, अगर वो किसी के हाथ लगी तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। पर मिंटी को मियाँ का ध्यान आता है जिसने उसे हौसला दिया था और उसे एक निडर लड़की बनने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन जब वो उसके घर जाती है कि गाइडन और उसके आदमी उसे बेरहमी से मार रहे हैं क्योंकि उसने उन गुलामों को अपने घर में आसरा दिया था। वो उसे मिंटी के बारे में पूछते हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलती, जिसे देखते हुए वो लोग उसकी जान ले लेते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद वो उसके पास जाती है और मियाँ की ऐसी हालत उसकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो रोने लगती है और यहाँ से वो सीधा पोर्ट जाती है जहाँ से सभी गुलाम दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन तभी गाइडन उसे देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। सभी गुलाम गाइडन की तरफ बंदूक तान देते हैं और उसे ना चाहते हुए भी मिंटी को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से अब मिंटी की नई शुरुआत होती है। वो बाकी गुलामों के साथ कनाडा जा रही थी क्योंकि वहाँ ऐसा कोई भी कानून पास नहीं हुआ था। कनाडा जाने के कुछ दिन बाद मिंटी को पता चलता है कि उसकी बहन की मौत हो गई है,
और यहाँ उसे एक हार का एहसास होता है कि वो अपनी बहन को बचा नहीं पाई और बुजदिलों की तरह यहाँ भाग आई। इसलिए वो कसम खाती है कि वो अब बुजदिलों की तरह नहीं बैठेगी और लड़ेगी। अब अगले सीन में मिंटी सेनेट से मिलती है। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे जो गुलामी के खिलाफ खड़े हुए थे। वो सभी लोग आपस में समाधान निकाल रहे थे कि कैसे वो बाकी गुलामों को आज़ाद करेंगे। कोई कहता है कि हमें उन्हें खेतों से लाना होगा, तो कोई कहता है कि उन्हें 800 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। तभी एक आदमी कहता है कि बस बहुत हुआ, अब हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा। ये सुनकर विलियम भी कहता है कि हाँ, अब समय आ गया है सिविल वॉर का और इसी तरह से हमें अपना हक मिलेगा। और तभी मिंटी कहती है कि हम ऐसे समय में जंग का ऐलान नहीं कर सकते, हमें पहले गुलामों को आज़ादी दिलानी होगी, चाहे ट्रेन से या फिर बैलगाड़ी से। विलियम कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कनाडा तक का सफ़र 800 किलोमीटर का है और उन्हें पहुँचने में कई महीने लग जाएंगे। मिंटी कहती है कि चाहे कितना भी समय लगे, मैं उन्हें आज़ाद करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सभी से कहती है कि आप में से बहुत सारे लोग आज़ाद पैदा हुए हैं, आपको गुलामी का एहसास नहीं है, आप सभी लोग एक आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मुझे याद है, मुझे हर एक लम्हा याद है मेरे साथ बीता हुआ, कि कैसे काम ना करने पर आपके बच्चों को पीटा जाता है जिन्हें पता भी नहीं होता कि काम क्या होता है, कैसे छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, उन्हें बेचा जाता है, भाइयों को जानवरों की तरह पीटा जाता है, मारा जाता है और उनके बच्चों को उनसे दूर किया जाता है। ये घटनाएं सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। मैंने उनकी चीखें, उनके दर्द, उनके आंसू देखे हैं और हर रोज उनकी चीख मेरे कानों को चीर कर निकलती है। जब तक मेरी नसों में खून है, मैं उनके लिए लड़ूंगी और मैं नहीं रुकने वाली हूँ। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक ये गुलामी का शैतान ख़त्म नहीं हो जाता। उसकी ये बातें सुनके सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। और इसी तरह से वो बहुत सारे गुलामों को आज़ाद करवा के कनाडा लाती है, जिनकी ज़िंदगी बदल जाती है। एक दिन गवर्नमेंट को पता चलता है कि मिंटी के डैड गुलामों को भगाने में मदद कर रहे हैं, तो वो उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि मिंटी उनके पास पहुँच जाती है और अपने माँ बाप को बचा लेती है और उन्हें भी आज़ाद करवा देती है, वो अपने पिता से कहती है कि मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपको लेने ज़रूर आऊँगी, और आज वो दिन आ गया है। ये सुनकर उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं और उसकी माँ रोने लगती है। वो उन्हें कनाडा के लिए रवाना कर देती है। लेकिन अभी मिंटी की बहन के दोनों बच्चे उसी घर में थे। वो रात के अंधेरे में वहाँ घुस जाती है और उन्हें भी आज़ाद करवा लेती है। पर अब मिंटी के लिए मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई थी। पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि मिंटी अभी भी इस शहर में है और सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जिससे वो निकल ना पाए। और इसी बीच हम एक लेडी को देखते हैं जो ब्रिज से अपने बैलगाड़ी को ले जा रही थी। तो यहाँ पर इस लड़की ने अपना हुलिया बदला हुआ था और वो कहती है कि वो लूथर ग्रैंड का बेटा है जिसे वो लोग उसे जाने देते हैं। यहाँ उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है और अब मिंटी और उसके साथी शहर से बाहर आ चुके थे। लेकिन अभी भी उनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई थी। गाइडन और लॉन्ग अभी भी उनके पीछे थे। मिंटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, बस थोड़ी दूर और है और अब हमारे पास भी अपना घर होगा जहाँ हम सभी एक साथ रह सकेंगे, वहाँ हमारा कोई भी मालिक नहीं होगा। वो सभी को बोट में बैठा देती है लेकिन खुद नहीं जाती, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि गाइडन उसके पीछे ही है। अब वो उनसे लड़ने के लिए पीछे जाती है और तभी जॉन उसे देख लेता है और तभी एक गोली आकर उसे लगती है जो किसी और ने नहीं बल्कि गाइडन ने मारी थी, जो मिंटी को मारना नहीं बल्कि उसे गुलाम बनाना चाहता था। एक समय पे दोनों आमने सामने होते हैं तो गाइडन उसे मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन उससे पहले ही मिंटी उस पर गोली चला देती है जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है और वो उसकी बंदूक उसी पर तान देती है और उसे घोड़े से नीचे उतरने को कहती है। अब यहाँ पर मिंटी खड़ी थी और उसके मालिक उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। वो उसे अपनी जान की भीख मांगता है और उसे पैसों का लालच भी देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे चाहती हो। लेकिन मिंटी अब उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। के बाद वो उसका घोड़ा ले लेती है और भीख में उसकी जान बख्श देती है। अब सीन कट होता है और मिंटी ने एक पूरी बटालियन बना ली थी जो गुलामों को आज़ाद कराती है। उसने कसम खाई थी कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगी। और यहाँ आता है पूरी कहानी का सबसे बेहतरीन सीन, जहाँ हम देखते हैं कि मिंटी एक गाँव जाती है अपने लोगों को लेने के लिए, वहाँ के गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए। वो गुलामों का इंतज़ार कर रही थी और उनके लिए गाना गा रही थी, पर वो नहीं आते। और तभी वो हाथ उठाकर ऊपर वाले से विनती करती है और अगले पल ही हम हज़ारों गुलामों को उसकी तरफ आते हुए देखते हैं। उन गुलामों के पीछे उनके मालिक भी होते हैं, लेकिन मिंटी के पास उनसे ज़्यादा लोग थे जिसकी वजह से वो अब डरने वाली नहीं थी और वो सभी को आज़ाद करवा कर वापस लाती है। तो कहानी के आखिर में वो अपने घर जाती है और अपने पूरे परिवार से मिलती है और आज उसकी वजह से उसका परिवार एक आज़ाद ज़िंदगी जी रहा है। सभी उसे देखकर रोने लगते हैं और मिंटी, जिसका असली नाम हैरियट है, उसने अपनी ज़िंदगी में 700 से ज़्यादा गुलामी को आज़ाद करवाया। 10 मार्च 1913 को कभी ना हार मानने वाली हैरियट की मौत हो गई और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।
वेल गाइज, ये कहानी देखकर आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की याद ज़रूर आई होगी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी दलितों और बेसहारों को बचाने में। उन्हीं की वजह से आज हमारे देश में हर कोई बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।